सो सी अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि हाउ द ड्यूल साइकिल वर्क इन आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर ड्यूल साइकिल किस तरह से हमारी वर्क करती है उस बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सो ये ड्यूल साइकिल के अंदर हमारे सेम कितने कितने इवेंट्स परफॉर्म होने वाले, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, देन एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। दीज आर द 5 इवेंट्स एंड द 4 स्ट्रोक्स। 4 स्ट्रोक रहेगी और 5 इवेंट्स यहाँ पर परफॉर्म होने वाले, ठीक है। सबसे पहला वाला स्ट्रोक कौन सा है हमारा, सक्शन। तो सक्शन में क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। सो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको ये इजीली समझ में आएगा। और सी यहाँ पर देखो इसको, ठीक है। सबसे पहले पीवी डायग्राम देखेंगे। नाउ इन अ सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 प्रोसेस इज द सक्शन। सी ये 0 to 1 प्रोसेस रहेगा हमारा सक्शन का विथ रेफरेंस टू पी एंड वी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सो सक्शन में क्या होता है, हमेशा से प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है बिकॉज एयर फील्ड मिक्सचर ड्रॉन इन द सिलेंडर। चार्ज जो रहेगा सिलेंडर के अंदर ड्रॉन होता है, इस वजह से हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। नेक्स्ट स्ट्रोक रहेगा हमारा, दैट इज दी कंप्रेशन स्ट्रोक। सो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, 1 to 2 प्रोसेस। 1 to 2 प्रोसेस है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा बिकॉज वी आर कॉम्प्रेसिंग द चार्ज। चार्ज को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, सो चार्ज कॉम्प्रेस हो रहा है, पिस्टन इज ट्रैवलिंग टू द टीडीसी, टीडीसी की तरफ पिस्टन जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। देखो 1 to 2 का जो कर्व बताया मैंने यहाँ पर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। 1 to 2 प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई हमने इस तरह से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी हमारी कंबशन। नाउ सी कंबशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 3 एंड 3 to 4 at a constant volume and the constant pressure. Combustion takes place at a constant volume and the constant pressure. यहाँ पर देखो 2 to 3, 3 to 4 इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, combustion takes place हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। See 2 to 3 एंड 3 to 4 हमारा कंप्लीट क्या है, कंबशन प्रोसेस है हमारा। सो 2 to 3 क्या है हमारा, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड 3 to 4 इज अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो 2 to 3 एंड 3 to 4 हमारा जो प्रोसेस रहेगा दैट विल बी दी कंबशन प्रोसेस। तो कंबशन प्रोसेस के अंदर 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। और 3 to 4 प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसका, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ड्यूल साइकिल के अंदर हमारा कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पर हमारा ये साइकिल वर्क करता है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 to 3 और 3 to 4 इस तरह से बताया। 2 to 3 में प्रेशर बढ़ रहा है और 3 to 4 में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 2 to 3 में हमारा वॉल्यूम, 2 to 3 का जो प्रोसेस है इसमें हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है एंड 3 to 4 की प्रोसेस में हमारा प्रेशर यहाँ पर कॉन्स्टेंट बताया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंबशन टेक्स प्लेस इन अ ड्यूल साइकिल में, ड्यूल साइकिल में कंबशन टेक्स प्लेस होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपांशन स्ट्रोक। तो एक्सपांशन स्ट्रोक हमारा 4 to 5 रहेगा। सो एक्सपांशन स्ट्रोक में क्या होगा हमारा, हमेशा एक्सपांशन स्ट्रोक में 4 to 5 में प्रेशर हमारा क्या होगा, ड्रॉप होने वाला है अभी बिकॉज पिस्टन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे ट्रैवल हो रहा है। सो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जब ट्रैवल होगा तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। ये प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज होने के बाद में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि उतना अमाउंट में उसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेज जमा भी हो रही है ना। सो दैट्स वाई वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमने उसका प्रोसेस बताया 4 to 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 to 5 का प्रोसेस, दैट इज द एक्सपांशन प्रोसेस। देन एक्सपांशन प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट रहेगा हमारा 5 to 1 प्रोसेस, दैट इज द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट प्रोसेस जो बताई हमने, कैसे बताई है, यहाँ पर प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गैसेज है तो बाहर निकल जा रही है, तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा उसका, ठीक है। इनले एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन है तो प्रेशर हमारा ड्रॉप होगा विद अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या हमारे इंजन के अंदर, नहीं, वॉल्यूम के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। देन अगेन द प्रोसेस विल स्टार्ट, दैट इज द 0 to 1, 0 to 1 की प्रोसेस हमारी वापस से स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द सक्शन प्रोसेस, जो जिसको हम सक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था हमारा पीवी डायग्राम फॉर द ड्यूल साइकिल। ये ड्यूल साइकिल का पीवी डायग्राम है। उसी के साथ में अब हम यहाँ पर टीएस डायग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। टीएस डायग्राम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, ड्यूल साइकिल विद रेफरेंस टू टेम्परेचर एंड द एंट्रोपी। अभी यहाँ पर देखो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी की अगर रेफरेंस से हम देखते हैं टीएस, तो सबसे पहला वाला प्रोसेस एज इट इज रहेगा, सक्शन प्रोसेस। 0 to 1 क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा और जो एंट्रोपी रहेगी वो इंक्रीज होगी बिकॉज द चार्ज इज एंटरिंग इंड्यूसिंग इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज अंदर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमारा एंट्रोपी बढ़ रहा है, मतलब हीट ऐड हो रही है उसके अंदर, ठीक है, दैट इज द एडिशन ऑफ हीट, सो द एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट रहेगा हमारा 1 to 2 प्रोसेस, दैट इज द एक्सपांशन प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सपांशन प्रोसेस सॉरी कंबर्शन प्रोसेस में कंप्रेशन प्रोसेस रहेगा हमारा 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 हमारा कंप्रेशन प्रोसेस रहेगा। तो कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, वो 1 to 2 प्रोसेस रहेगी। तो 1 to 2 प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट विल बी द 1 to 2 प्रोसेस, ठीक है, दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस, जिसको हम कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो कंप्रेशन में हीट हमारी ऐड होती है क्या, नहीं ऐड होगी, सिर्फ वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नाउ सी द कंबशन प्रोसेस, कंबशन किस तरह से होता है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द कांस्टेंट प्रेशर। सो 2 to 3 2 to 3 एंड 3 to 4, ये क्या है कंप्लीट हमारा यहाँ पर ये रहेगा हमारा कंबशन प्रोसेस। तो कंबशन प्रोसेस में देखो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज हीट इज एडिंग, हीट यहाँ पर ऐड हो रही है। सो ऑन एडिशन ऑफ हीट एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी यहाँ पर। सो 2 to 3 का प्रोसेस में वापस टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, वापस 3 to 4 का जो प्रोसेस रहेगा उसके अंदर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एंट्रोपी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हमारा कंबशन टेक्स प्लेस होगा इन अ ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल में नेक्स्ट रहेगा 4 to 5। तो 4 to 5 प्रोसेस कौन सा है हमारा, दैट इज द एक्सपांशन प्रोसेस। तो एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होने वाला है यहाँ पर, बिकॉज गैसेज आर गोइंग टू बी एक्सपांडेड, गैसेज हमारी एक्सपांड होने वाली है अभी यहाँ पर। सो 4 to 5 प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होने वाला है। सो टेम्परेचर रिड्यूस होगा हमारा और एंट्रोपी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो एडिशन एंड नो रिजेक्शन ऑफ हीट, हीट का एडिशन भी नहीं हो रहा है, हीट का रिजेक्शन भी नहीं हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होगा एट अ प्रोसेस ऑफ 4 to 5 की प्रोसेस में। तो ये था हमारा एक्सपांशन प्रोसेस। और लास्ट वाला जो रहेगा हमारा दैट इज द 5 to 1, जिसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो एग्जॉस्ट के अंदर हीट रिजेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई एंट्रोपी डिक्रीजेस, देखो इस डायरेक्शन में एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। देन अगेन 0 to 1 प्रोसेस विल बी स्टार्ट, मतलब क्या होगा, सक्शन विल बी स्टार्ट यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ड्यूल साइकिल वर्क करता है यहाँ पर। तो